स्पॉन्सर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल सीधी, एडमिशन ओपन नाउ नर्सरी टू क्लास 7। जनपद अध्यक्ष गंगेव श्री विकास तिवारी ने मेरे से संपर्क किया और समाचार पत्रों में भी मैंने देखा कि जनपद पंचायत गंगेव के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। हम इसकी निंदा करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तो पंचायती राज को समाप्त करने में लगी हुई है, उसके अधिकारों को काटने छाटने में लगी हुई है। जो बापू का सपना था, जिसे हमारे राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया इस देश में और पंचायती राज को कांग्रेस की सरकार में अधिकार संपन्न बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके अधिकारों का लगातार हनन करते रहे हैं, ख़त्म करते रहे हैं। और इसके बाद अब तो हद हो गई कि जब पंचायती राज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जब विकास यात्रा निकली तो उन्होंने बात की कि भाई हमारे क्षेत्र में तो विकास हुआ ही नहीं, ये कहे कि विकास यात्रा हमारे को तो पैसे नहीं मिले विकास के और किसी भी तरीके से विकास नहीं हो रहा, और प्रतीकात्मक विरोध किया। उन्होंने कोई उसमें बाधा नहीं पहुंचाई, पर स्थानीय विधायक जो वहाँ के हैं वनगमा के, उन्होंने अपने सत्ता का फ़ायदा लेते हुए पुलिस और प्रशासन के ज़रिए उन पर मुकदमा दर्ज कराया। और अब तो ये हाल है कि वहाँ उन लोगों को, जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का उन पर दबाव बनाया जा रहा और उनको सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही कि वो लोग उनकी लाइन में आए और जो उनके अंदर कुछ भ्रष्ट उद्देश्य हैं उन उद्देश्य की पूर्ति में उनके सहायक बने। पर ये बात अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति, उनके वोटों के प्रति अपनी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और अगर उनके खिलाफ किसी किस्म की दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को सड़क में ले जाएगी और उनको, उनके जन आंदोलन को हम पूर्णतः समर्थन देते हैं और उनके साथ हम हर लड़ाई में खड़े होंगे, क्योंकि पंचायती राज लागू करना और न्याय के साथ काम करना ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही। पंचायतों की समस्याएं, इसको लेकर लोग भी अब मुखर हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों पर सीधे इस तरह कोर्स ऑफ एक्शन सरकार की ओर से दिखाया गया, तो इसको क्या मानते हैं? क्षेत्र में काम नहीं हुआ इसलिए विरोध हो रहा, तो उस चीज़ को भी किनारे करना या एक तरह से दबाव बनाना जनप्रतिनिधियों पर जो जनपद की इकाई पे हैं, पंचायत की इकाई पे हैं? एक्चुअली देखिए क्या है, वो चाहते हैं कि ताकत के दम पर वो विकास जो है उसको सिद्ध करें, जो विकास जमीन में है ही नहीं, उस विकास की बात वो कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें सहायक हों और उनके साथ खड़े हों। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, चूंकि वो मतदाताओं के प्रति उनका दायित्व है, इसलिए वो गलत बात का समर्थन नहीं कर रहे। आप हमें देखिए, रीवा में भी विकास यात्रा निकल रही है, मुझे तो लगता है कि बात इसकी है ही नहीं विकास हो। उन सड़कों पे जो सड़कें क्षतिग्रस्त सड़कें थीं जो सीवर लाइन डालने के लिए खोद दी गई, उन सड़कों को आज की तारीख में वहाँ नगर निगम महापौर जो हमारे अजय मिश्रा बाबा जब निर्वाचित हुए तो उन्होंने सड़कों के 42 करोड़ के टेंडर लगाए और फटाफट उनका क्रियान्वयन किया। आज जब क्रियान्वयन हो रहा है तो जबरदस्ती जाके आप उसको, उसकी विकास की बात कर रहे हो। जनता हंस रही, कह रही अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने इसको तोड़ा था सीवर लाइन वाला, सीवर लाइन डालने के लिए पूरे तोड़े, सीवर लाइन का ठेकेदार भाग गया, उससे इतनी बड़ी खयानत कराई कि उससे उसकी रिपेयर वर्क नहीं कराया, जो तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट उल्लेख रहता है कि जो उसे तोड़ता है उसे एज इट इज़ उसी स्थिति में उसको लाना रहता है। तो पहली चीज़ तो आपने कंस्ट्रक्शन किया नहीं, ऊपर से दूसरा कर रहा है तो आप उसकी श्रेय ले रहे हो बेशर्मों जैसी, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। और उन्हीं जगहों में विकास यात्रा चला रहे हैं, इनसे तो पूछना चाहिए कि विकास यात्रा में ये यह भी बताएं कि कितने एकड़ शहर की ज़मीन पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर विकास की भेंट चढ़ गई, कितने एकड़ ये पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर रीवा की महत्वपूर्ण ज़मीनों को बेच चुके हैं, इसको विकास यात्रा से क्यों छुपाना चाहते हैं, ये बात भी बताएं कि विकास के नाम पर हमने क्या क्या किया। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल सीधी, एडमिशन ओपन नाउ नर्सरी टू क्लास